मैं हूं निर्मल कुमार और दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल स्नेक लवर। तो आज हमें स्नेक रेस्क्यू के लिए इंद्रुक दक्षिण टोला से प्रशांत कुमार बुलाया है। प्रशांत कुमार जी ने कॉल किया है और यहां आप आइए, हम दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां एक स्पेक्टिकल कोबरा जो है बड़ा साइज का है। आप देख सकते हैं ये स्पेक्टिकल कोबरा यहाँ दबा हुआ है। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो में, हम रेस्क्यू करते हैं। आप देख सकते हैं साथियों, ये कोबरा स्नेक है, स्पेक्टिकल कोबरा हम लोग कहते हैं। अपने क्षेत्रीय भाषा में हम लोग इसे गेहमन सांप के नाम से जानते हैं। और ये इसने देखिए कितने बड़ा चूहा को खाया हुआ था, इसलिए यह भाग नहीं रहा था और वहाँ बैठा हुआ था और लोगों की नजर पड़ गई इस पे और लोगों ने हमें कॉल किया। हम बताना चाहेंगे साथियों, ऐसा सांप यदि आपको काटता है तो कम से कम आपके पास 1.5 से 2 घंटे का समय होता है। आप बिना किसी झाड़फूक के चक्कर में पड़े हुए हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करा सकते हैं और बच सकते हैं। दोस्तों अभी बरसात का समय है और सांपों का घर में निकलना आम हो गया है, क्योंकि खेतों में इनके बिलों में पानी भर रहा है, जिसके कारण ये घरों का रुख कर रहे हैं। बहुत सुंदर सांप होता है लेकिन काफी जहरीला सांप होता है, लेकिन हम कहना चाहेंगे साथियों, ये बिना इसे छेड़े हुए ये बाइट नहीं करता है। आप देख सकते हैं जब यह गुस्साता है तो ये खड़ा हो जाता है और अपना फन फैलाता है, जिससे लोगों में दहशत बन जाती है। और सबसे ज्यादा भारत देश में इसी सांप के नाम से खौफ है, क्योंकि यह भागता नहीं है और मुकाबला करता है। आप देख सकते हैं गुस्सा के कैसे काटने के लिए अपना मुंह खोल रहा है, लेकिन जब तक हम इसे प्रॉपर तंग नहीं करेंगे तब तक यह बाइट नहीं करेगा। यह भी डराता है, क्योंकि यह खुद डरा हुआ है इसलिए यह हमें डरा रहा है। देखिए, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इस स्नेक को रेस्क्यू कर लेते हैं। हम लोगों ने इस कोबरा स्नेक का अच्छी तरह से रेस्क्यू कर लिया। हम लोगों से अपील करेंगे कि सांप अगर निकलते हैं तो सांपों को मारिए मत, सभी सांप जहरीले नहीं होते। आप किसी स्नेक सेवर का मदद लीजिए और अपने घर से सांपों को निकाल सकते हैं और सांपों के भय से बच सकते हैं। तो उम्मीद करते साथियों आपको हमारा रेस्क्यू वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली बार फिर से और स्नेक के साथ। आपका स्नेक लवर निर्मल कुमार, धन्यवाद। चलिए ताली बजा दीजिए।